जाना है नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। चलिए आपको देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करें। ये पहले क्लियर करा है, देखिए कितने मासूमियत के साथ में, y equals to a, a means autonomous consumption plus b, b means MPC, y minus t, y मतलब national income, minus t मतलब tax, plus i मतलब investment, g मतलब government consumption expenditure and net export means x minus m। ये function दे दिया है, i भी दे दिया आपको, आपको b भी दे दिया आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर t भी दे दिया आपको यहाँ पर, और g भी दे दिया आपको यहाँ पर, सब कुछ x दे दिया आपको, m दे, सब दे दिया। Find the clear level of income using the aggregate expenditure, aggregate output approach and saving investment approach। चलिए करिए जरा इसको निकाले, ये तो कर सकते हो, इसको करना है क्या आपने, अब हो गया जी। बच्चे जब आपको ए नहीं गिवन होता है, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में डिस्कशन नहीं होता, तो वो जीरो कंसीडर होता है। न्यूमेरिकल बस आपका यहीं से आता है, ये यहां से एक न्यूमेरिकल आ जाएगा और कुछ नहीं, इतना ही न्यूमेरिकल आपके सिलेबस से, मैक्रो में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड, ये मेथड्स पूछ लेंगे। किस इनकम मेथड को डिस्क्राइब कीजिए, फॉर्मेट पूरा लिखना पड़ेगा, नेशनल इनकम कैसे निकालते हो उसे लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आपका यहां से आ जाएगा। देखिए मैंने उसके न्यूमेरिकल के लिए भी आपको प्रिपरेशन करवा दिए। हाँ जी देखें जरा, y इक्वल्स टू a प्लस बी, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, सिंपली जो निकालना है वो निकाल लेते हैं, इसको करते हैं साइड में। हाँ ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है ना, चलिए नेशनल इनकम की तरफ चलते हैं। y सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, y इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, c प्लस i प्लस g प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दिस वन, एंड वाई इक्वल्स टू सी क्या है हमारा, सी की वैल्यू हमारे पास में जो है ये है ए फाइनेंशियल फंक्शन दिस वन, ए आपको पता है नहीं पता, प्लस बी पता है आपको, एमपीसी और बिल्कुल गिवन है 0.75, क्लियर है। ब्रैकेट वाई माइनस वाई पता है नहीं पता, टैक्स पता है क्या आपको, टैक्स बिल्कुल पता है आपको 25 करोड़, प्लस जी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है आपको 25, प्लस एक्सपोर्ट आपको मालूम है 22 करोड़, इंपोर्ट मालूम है 30 करोड़। दिस वन सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू आपको a, अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन पे कोई डिस्कशन नहीं है तो जीरो एज अ कंसिडर कर लिया जाएगा, 0.75 y माइनस 25 और प्लस 25 सॉल्व करेंगे तो माइनस का आपका 8 आ गया। अब सॉल्व करते हैं यहां पर, तो क्या आपके पास में है, y इक्वल्स टू 0.75 y माइनस, इसका आपको क्या करना है, 75% निकालना है, तो इसका 75% आपको कैलकुलेट करना है, तो 25% आप देख लेंगे, 3/4 निकालना है 25 का, क्या सिंपल कैलकुलेटर है तो करेंगे ना, 25 × 0.75 18.75, और यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस 5 × 3 = 17, ठीक है जी ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे अगर आप यहां पर, नेशनल इनकम आपका नेगेटिव कैसे आ सकता है भैया, कोई बात नहीं सॉल्व करते इसको, यहां पर आपके पास में 0.75 y दिस यहां पर आकर के आपके पास में माइनस हो गया, माइनस जगह क्या जगह 0.25 y इक्वल्स टू, ये तो आपका 1.75 नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, नेगेटिव तो नहीं आएगा,
इन्वेस्टमेंट लेना भूल गया क्या मैं? इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 करोड़ प्लस 20 प्लस 20। बार बार मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, देखो 0.25 बाई इक्वल्स टू, अब सॉल्व करेंगे 20 माइनस 1.75 18.25 एंड y इक्वल्स टू 18.25 डिवाइडेड बाय 0.25। तो बस 25 का मल्टीपल तो ये हो ही गया, तो 18.25 डिवाइडेड बाय 0.25 तो क्या आया, y इक्वल्स टू 73 करोड़ नेशनल इनकम हमारा आ गया। क्लियर है जी, समझे? अब उनको फोन करके पूछा जाए, अब देखो कहाँ है। नहीं 0. ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे जाकर के, तो 1 में से 0.75 0.25 बचेगा। अब देखिएगा ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच को क्यों क्या बोलते हैं हम, ये हमारा था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच था। अब सवाल है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होता है बच्चे? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जबकि लीकेज, इकोनॉमी में जब लीकेज और इंजेक्शन इक्वल होता है तब हमारा जो है इक्विलिब्रियम इकोनॉमी होती है। अब आप कहोगे सर लीकेज क्या है बेटा? अब क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूं, पिताजी को फर्म ने 30,000 रुपए तनख्वाह दिया, कायदे के अनुसार से वो 30,000 रुपए क्यों मिला? वो 30,000 रुपए किसी ने कोई ना कोई फैक्टर सर्विस आपके फादर ने प्रोवाइड कराए एज अ लेबर या एज अ एंटरप्रेन्योर कुछ भी। तो फर्म जब उसको उनको जब 30,000 रुपए पे कर रहे हैं तो 30,000 रुपए उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके वापस फर्म तक ये पैसा पहुंचाना चाहिए जिससे कि सर्कुलर फ्लो मेंटेन रहे। लेकिन वो 30,000 रुपए कंजम्पशन नहीं करेंगे, वो 30,000 में से 20,000 कंजम्पशन कर लेंगे, 10,000 रुपए उन्होंने बचा लिया। क्लियर है? सेविंग कर ली। तो ये क्या हो गया, ये सर्कुलर फ्लो में से लीकेज हो गया, समझ रहे हैं? आप देखेंगे आपके घर में तिजोरी में ड्रॉअर में कुछ पैसा आपने बचा के रखा हुआ है, ये इकोनॉमी से इसको कहते हैं लीकेज, पैसे को बाहर निकाल लेना। क्योंकि अगर आप उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते तो कहीं ना कहीं वो किसी की इनकम बन जाती। तो इकोनॉमी के अंदर अगर आप सेविंग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है। क्लियर है? और ऐसे ही आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया तो ये भी लीकेज है, क्योंकि टैक्स जो आपको फर्म ने पेमेंट करा आपने उसके बदले में क्या करा, सरकार को कुछ टैक्स दे दिया, तो ये भी तो आपका वो पैसा क्या हो गया, एज अ लीकेज हो गया। क्लियर है? और इसके बाद आपका लीकेज में क्या हुआ, आपने इंपोर्ट कर लिया बाहर से कुछ सामान ले लिया, पैसा बाहर चला गया, तो ये पैसा इकोनॉमी से बाहर हो जाता है।
लेकिन दोबारा इस पैसे को इकोनॉमी के अंदर डाल देना इक्विलिब्रियम के स्टेज पर पहुंचा देने के बराबर होता है। जैसे कि सेविंग जितना आपने बचाया है वो सारा अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, मतलब बैंक वगैरह में जमा करवा दोगे ना अगर आप, तो वो एक तरीके से कैपिटल मार्केट कहते हैं। बैंकों से पैसा फर्म उठा लेगी एज अ लोन, तो पैसा इकोनॉमी में वापस चला जाएगा। क्लियर है? और टी, जो टैक्स, जितना भी टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे करा है, गवर्नमेंट ने अगर उसको गवर्नमेंट ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया उस टैक्स के पैसे से, तो पैसा वापस इकोनॉमी में आ जाएगा। क्लियर है? जो हमने मांगा उसका उतना हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो विदेशों से पैसा उतना वापस आ जाएगा। क्लियर है जी? अगर ये चीजें इक्वल है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर क्लोज इकोनॉमी मॉडल है तो सिर्फ होता है एस इक्वल्स टू आई, बट ओपन इकोनॉमी मॉडल में ये फंक्शन काम करता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी? समझे? अब यहां पर आपके पास पे एस क्या है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये रहा क्वेश्चन। क्लियर है जी? तो सेविंग फंक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, एस सेविंग फंक्शन कैसे निकलेगा? आपको पता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन तो है नहीं, फिर सीधा आपके पास पे किस पे जाएगा, ये एमपीएस और डिस्पोजेबल इनकम मतलब वाई माइनस टैक्स, इसी पे जाएगा ना आपका एस इक्वल्स टू। और आपके पास में एमपीएस क्या है, एमपीएस कैसे निकालोगे आप? आपको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू वन, एंड एमपीसी कितना, जीरो पॉइंट देख लेते हैं, 0.75 आई थिंक एमपीसी, हाँ 0.75 है। तो MPS equals to 1 minus 0.75 equals to 0.25। तो आइए S saving function, MPS 0.25, income 73 crore, minus tax, tax कितना है हमारे पास में, tax क्या है हमारे पास में, tax 25 crore है, this one, clear है? Solve करेंगे हम यहाँ पर, 0.25 और आपका 13 में से 5 गया आपके पास में 8, और 6 में 2 गया आपके पास 48, और आपके पास में इसका 1/4, तो 1 और 2 12, तो ये आपका सेविंग आ गया। आइए अब इससे हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। एस कितना है, 12 करोड़, टैक्स कितना है, 25 करोड़, इंपोर्ट कितना है, देखो सब कुछ दिया हुआ है आपको, इंपोर्ट 30 करोड़। आपके पास में आई जी और एक्स कितना है, आई जी और एक्स, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में आई 20 है और जी 25 है, 20 25, और एक्स कितना है, एक्सपोर्ट 22 है। क्लियर है जी? बात समझे? खैर आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, यहां पर ये आपका, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे, आपको एस की जगह पर यहां पे ऐसे, आपको क्योंकि नेशनल इनकम निकालना है ना इस अप्रोच से, तो सेविंग फंक्शन ये हुआ। एस की जगह पे क्या रख देंगे आप, एमपीएस वाई माइनस टैक्स, टैक्स कितना था हमारा, 25 करोड़, प्लस टैक्स 25 प्लस इंपोर्ट 30 इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, टैक्स 25 है ना, हाँ इन्वेस्टमेंट कितना है 20, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है जी 25, और एक्स कितना है 22, ये क्लियर है जी? आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको नेशनल इनकम निकालना है ना, दिस वन। तो एमपीएस क्या आपके पास में, एमपीएस निकाल दोगे आप, एमपीसी कितना 0.25, वाई 0.25, वाई माइनस 25 प्लस 55 इक्वल्स टू 45 प्लस 22 7 667, 20 40 60
अच्छा सर 67 सॉल्व करेंगे, दिस वन माइनस हो जाएगा, तो 0.25 बाय माइनस 25 का 0.25 6.25 इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 67 माइनस 55 12 एंड 0.25 इक्वल्स टू 18.25 ठीक है, और y होगा ना ये, एंड y इक्वल्स टू 18.25 डिवाइडेड बाय 0.25 18.25 डिवाइडेड बाय 0.25 आ गया आपका इससे भी 73 करोड़। क्लियर है? तो ये अप्रोच ध्यान रखना, पेपर में ये सवाल आ जाएगा, ये तो सबको ही आता है, यहां पर बच्चा है कुछ ये तो आता ही है आपको, यहां पर निकाल लोगे वाई, कह रहा नेशनल इनकम निकालना है आपको वाई दो अप्रोच से, एक तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट तो वो ये है आपका, दूसरा आपके पास में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो ये तो दोनों इक्वल वेटेज रखते हैं आपके पेपर में, आपका 10 नंबर का आया हुआ तो आपका 5-5 नंबर का दोनों, आप एक करके सोचोगे हमने निकाल दिया, 5 नंबर का ही कर पाए हो, 5 नंबर का नहीं हुआ, और एक एक बात लिखोगे आप, समझे भैया? ये सॉल्यूशन भी दे रखा है मैंने अपनी तरफ से, मैं सॉल्व भी करवा रहा हूं क्योंकि इससे आपको कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपके पास में वाई डी आपको पता लेना है, इन्वेस्टमेंट आपके पास में, टैक्सेस आपके पास में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास में, सर एक बार एमपीएस बताना, अरे बच्चे एमपीएस कैसे, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 और एमपीसी की वैल्यू 0.75 था, ये पेपर में दिखा देना निकाल करके, यहां पर एमपीएस कैसे निकालेंगे हम, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 एंड 0.75 प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 and MPS equals to 1 minus 0.75 and 0.25. कर लोगे इस सवाल को, ट्राई करना एक बार, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, आप कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है जी? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, कुछ न्यूमेरिकल है अगली क्लास में, मैं और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है ना, जो रह गए हैं उसको भी करवा दूंगा, एक क्लास वो लगेगी प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके बाद हमारे 2 यूनिट रह जाएंगे बस, और पूरा महीना हमारा अप्रैल का जो है बाकी है, कोशिश करेंगे अप्रैल के महीने में इसको दिए एंड कर दें और मई में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दें, और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या प्रिपेयर करें, आप इस समय नेशनल इनकम जो आप सबसे पहले इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का है आएगा ही आएगा, क्लियर है? रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इसके ऊपर आप और इसके लिमिटेशन आप इसके ऊपर पढ़ लें, ये पेपर में आपके थ्योरी जरूर आएगा ही आएगा, एक न्यूमेरिकल आप इसकी तैयारी कर लें पेपर में आपके आएगा ही आएगा, ये कुछ बातें जो पेपर में आपके आने ही आनी है, ठीक है? मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।